हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला मीशो ऐप एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे करें। सो गाइज, मैं आज की इस वीडियो में प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर लें। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको सबसे पहले मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइज, ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर चॉइस करके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज, सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। डिफली गाइज, आपको यहाँ पर इंटरफेस में दिख रहा होगा, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। गाइज, क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद गाइज, आपके यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो आपका मोबाइल नंबर होगा, ट्रू कॉलर से सेटिंग जो आपके फ़ोन का मोबाइल नंबर होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा। सो गाइज, आपको यहाँ पर ये मोबाइल नंबर रखना होगा तो ये कर सकते हैं, नहीं तो अनदर मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरा प्रोफाइल ओपन हो चुका है। गाइज, आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद गाइज, आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। गाइज, यहाँ पर आपको पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना लगा लेना होगा। तो गाइज, मेरा ऑटोमेटिक लग चुका है पिक्चर इमेज जो होता है। तो गाइज, मैं आप पिक्चर लगाने के बाद यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। गाइज, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फुल नेम, यहाँ पर फुल नेम अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको गाइज यहाँ पर दिख रहा होगा ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो गाइज, मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। गाइज, आपको हिंदी में सेलेक्ट करना है, तमिल में, बंगाली में, इंग्लिश में जो सेलेक्ट करना होगा, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा, मराठी में। गाइज, मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने पर गाइज, आपको यहाँ पर आगे दिखेगा, इसको छोड़ देते हैं ऑक्यूपेशन वाला को। अबाउट में यहाँ पर अपने बारे में डाल सकते हैं। तो गाइज, यहाँ भी मैं छोड़ देता हूँ। गाइज, यहाँ पर देखिए माय बिजनेस नेम, यहाँ पर आप कौन से बिजनेस करते हैं आप बिजनेस आपको डाल लेना होगा। तो गाइज, मैं कोई भी अभी बिजनेस नहीं कर रहा हूँ तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। तो पिन कोड आपको अपना डाल लेना होगा अपने एरिया का। तो गाइज, मैं अपना पिन कोड डाल लेता हूँ। गाइज, पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सिटी फिलअप कर लेना होगा। गाइज, सिटी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टेट, किस राज्य के यहाँ राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। गाइज, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिलअप हो चुका है इतना। तो गाइज, आपको अदर इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर लेना होगा। इधर क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपना डाल लेना होगा। तो गाइज, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। गाइज, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पे क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा मैरिड या सिंगल, आप अकेले या मैरिड। तो गाइज, आपको मैं यहाँ पर सिंगल कर लेता हूँ। तो गाइज, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ किड्स, यहाँ पर आपको नंबर मतलब कितने बच्चे हैं मतलब। तो गाइज, मोर देन टू नो पे क्लिक कर देना है। गाइज, आप किस एडुकेशन से हैं, 12 बैचलर मास्टर एबो। तो गाइज, मैं अभी कुछ नहीं तो यहाँ पर बैचलर कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देखिए मंथली इनकम आपका कितना है। तो गाइज, आप कोई भी इनकम डाल सकते हैं, तो मैं डाल देता हूँ इनकम इतना। एड एडुकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट एंड ईयर्स। तो गाइज, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा अपना। तो एड वर्क पैलेस, आपको यहाँ पर अपना पैलेस किस जगह है यहाँ पर एड वर्क का कर लेना होगा। यहाँ पर सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सब ऑन कर लेना होगा। ऑन करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर अदर आने के बाद प्राइमरी पे आने के बाद आपको यहाँ पर सब डेटा आपको सेव कर लेना होगा यहाँ से। सो गाइज, आपका यहाँ पर प्रोफाइल सेव हो चुका है। गाइज, आपका प्रोफाइल यहाँ पर सेव हो चुका है। गाइज, आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ से सर्च करके कोई भी प्रोडक्ट आप अपना मंगा सकते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ से स्मार्ट वॉच सर्च कर लेता हूँ। स्मार्ट वॉच सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक ही स्मार्ट वॉच चूज करके आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पर नेम और मोबाइल नंबर डाल के और अपना पूरा डिटेल दे के आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। आई होप गाइज, मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।